हैदराबाद में हाल ही में हुई मुठभेड़ से बौखला गए माओवादियों ने असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया है। तेलंगाना हैदराबाद बस डिपो की एक्सप्रेस बस और अन्य एक निजी बस को माओवादियों ने आग लगा दी है। यह बस हैदराबाद से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की ओर जा रही थी। सुकुमा जिले के दोनारपाल पुलिस थाना परिधि में कुर्तीग्राम के निकट माओवादियों ने बस रोक कर यात्रियों को नीचे उतार दिया और बस को आग लगा दी। माओवादियों ने बस की डीजल की टंकी क्षतिग्रस्त कर तेल बस से छिड़काव और आग लगा दी। इसके बावजूद माओवादियों ने एक यात्री को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि मृतक कांस्टेबल हो सकता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में हाल ही में हुई मुठभेड़ के विरोध में माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। उधर माओवादियों के हमले को देखते हुए इंटेलिजेंस ने तेलंगाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को सतर्क कर दिया है, इसलिए वे हैदराबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इसके अलावा खम्मम भूपालपल्ली भद्रादी कोतागुदेम जिले के तेरास जनप्रतिनिधि को पुलिस ने सतर्क कर दिया है।